अस्सलाम वालेकुम नवेद। वालेकुम सलाम। क्या तुमने सरफराज को देखे? नहीं, सरफराज ने बोले थे कि वो मस्जिद में मिलेंगे। मैंने मस्जिद में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। हो सकता है वो अपने घर में ही हो। हाँ, हो सकता है। आओ सरफराज को लेकर आते हैं। चलो आओ, जल्दी चलो वरना हमें जमात नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। दरअसल अम्मी ने दुकान से सामान मंगवाए थे, वही देर हो गया। मुझे भी अम्मी अक्सर काम करने देते हैं। ऐसा नहीं कहते नवेद, वो हमारे अम्मी है और उन्हें हक है कि वो हमें कुछ काम करने के लिए कहे, और हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी बात माने। नवेद, अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अम्मी और अब्बा के काम में मदद करें, उनकी बातों को माने। बिल्कुल, जब हम छोटे थे तब उन्होंने कितनी ही मेहनत और मुशक्कत से हमें पाले और बड़ा किए, इसीलिए तो मैं हमेशा अपने अम्मी और अब्बा की बात मानता हूँ। लेकिन वो अब भी हमें काम नहीं करने देते, खुद ही सारे काम करते हैं और हमें आराम करने और खेलने देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए तो मैं अपने अम्मी और अब्बा की बातों को मानता हूँ। इससे हमारे माँ बाप खुश होंगे, और जब हम माँ बाप को खुश रखेंगे तो अल्लाह सुभान व तआला भी हमसे खुश होंगे। देखो, अब मैं हमेशा मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाब रहमतिक। माशाल्लाह। देखिए, मैंने कहा था ना, शायद इमाम साहब सूरह गाशिया ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि इमाम साहब अक्सर सूरह गाशिया पढ़ते हैं, इसीलिए सरफराज ने अंदाजे से बोल दिए। देखो, बात बात में मैं दुआ पढ़ना भूल गया। कौन सी दुआ अब्दुल बारी? मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ, उस दिन जो दुआ सीखे थे हमने। मुझे तो याद है वो दुआ। मुझे भी, अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाब रहमतिक। नहीं नवेद, ये दुआ तो मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की है। ओ हाँ, इसे तो मस्जिद में दाखिल होते हुए पढ़ना है। तो फिर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ है अब्दुल बारी? जब मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिका, इस दुआ को पढ़े। ओ, अब समझा, मस्जिद से निकलते वक्त की अलग दुआ है, और ये भी बहुत छोटी दुआ है। हाँ, तो क्यों ना तुम दोनों भी इसे याद कर लो। हाँ हाँ, कुछ मर्तबा दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम दोनों साथ में दोहराओ। ठीक है अब्दुल बारी, पढ़ो। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी अस्अलुका अस्अलुका मिन फजलिका मिन फजलिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिका। ठीक है अब्दुल बारी, जज़ाकअल्लाह खैर दुआ सिखाने के लिए। वइयकुम। लेकिन इसके मायने भी सुनते जाओ, क्योंकि हमें दुआ के मायने मालूम रहे तो हम समझते हुए पढ़ते हैं, इससे ज्यादा फायदा होता है। क्या मायने हैं इस दुआ के? इस दुआ के मायने हैं कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मतलब हम अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगते हैं। ये फजल क्या है? फजल, जिसे अरबी में फजल कहा जाता है। फजल से मतलब है कि हर तरह की नेमतें, जो दिखती भी है और जो हमें नहीं मालूम। कुछ समझे नहीं हम। दरअसल हम अल्लाह से अपने हर काम में, जैसे पढ़ाई में और दूसरे कामों में, और बड़े लोग अपने रिस्क और काम में फजल की दुआ मांगते हैं। अच्छा, अब हम समझे, इसका मतलब हम अल्लाह से अपने हर काम में भलाई और फायदे के लिए दुआ मांगते हैं। जब हम नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो हम दुनिया में अपने दीगर काम में लग जाते हैं, और उन सब काम में हमें अल्लाह का फजल मिले, इसीलिए इस दुआ को पढ़ते हैं। ठीक है अब्दुल बारी, मुझे दरअसल देर हो रही है, आज बहुत पढ़ाई करना है, हम फिर मिलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक मर्तबा दुआ पढ़ लेता हूँ, और मैं अल्लाह से अल्लाह का फजल तलब करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक। माशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों ना हम इस दुआ को दोबारा पढ़ें? जरूर जरूर अब्दुल बारी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फिक्रमंद वालिदैन, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से हो, और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत दिनों बाद ये एपिसोड पब्लिश किया हूँ, माजरा चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा,
तो जब कभी हम मस्जिद से बाहर निकलें तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ें, अल्लाह के फजल को तलाशें, अल्लाह से फजल की तलब करें अल्लाह से कि वो हमें फजल अता करें। और जो है दोस्तों, फजल इसी तरह नहीं मिल जाता, अल्लाह की रहमतों को तलाशने के लिए ये नमाज़ें, ये दुआएँ, इन्हें समझ कर पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में जो है, अपने फैमिलीज़ में, अपने घरों में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, हर एक जो है अपने घर में उन्हें इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो है अल्लाह के रहम करम, अल्लाह की नज़र इनायत हम पर हो, कुरान के अहकाम को समझे और डरे और जो है उसे अमल करें इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और अहम बात थी कि मेरा एक और चैनल है मॉरल स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप लोग जो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग खास करके स्पोर्ट्स से, मार्शल आर्ट्स से जो है दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग ज़रूर करें इंशाल्लाह। और मैं तो कहूँगा कि सभी लोग करें, ताकि वो चैनल में जो आपके सब्सक्रिप्शन मिले और जो व्यूज़ मिले इंशाल्लाह। दोस्तों, जल्द लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। आप लोग जो इस चैनल के सब्सक्रिप्शन को भी ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुआ की दरख्वास्त है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।